इस प्रकार से यदि आप बल्ब बनाते हैं तो आपका बल्ब की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और काफ़ी जैसे कि आप सूर्य फिलिप्स को भी अगर जो उनका बल्ब भी लाकर उसको खोल कर देखते हैं ठीक इसी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सीओम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो आपका मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला मटेरियल होता है या फिर यू कह लें आपका जो 9 वाट का बल्ब होता है ये मार्केट की सबसे ज़्यादा मांग होती है इसकी, और इसे ज़्यादातर सेल किया जाता है, और रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलता है। और रिप्लेसमेंट जो है ज़्यादातर क्यों आती है, उसका रिप्लेसमेंट आने का कारण ज़्यादातर यही होता है कि जो कस्टमर होता है वो ठीक से बल्ब को तैयार नहीं कर पाता है, जिसके कारण रिप्लेसमेंट आते हैं। अब दोस्तों देखिए, इसको बनाने का तरीका कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता है, सभी जानते हैं। ये आपकी हाउसिंग है, हाउसिंग के अंदर आपको इस ड्राइवर को फिक्स करना है ठीक है, और जो ये आपकी टिकली होती है इस पर आपको MCPCV को फिक्स करना है, सोल्डरिंग करके इसको हाउसिंग में रख के इसको बंद कर देना है। लेकिन दोस्तों इतना ही मात्र इसमें काम नहीं होता है, और देखिए जो काम जितनी सफाई से किया जाए उतना ही अच्छा होता है ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको दोस्तों सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि आपका जो ड्राइवर आप फिक्स कर रहे हैं वो बॉडी में अच्छे से फिक्स होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए ठीक है। क्योंकि बॉडी के अंदर अगर जो देखा जाए तो ये एल्यूमिनियम कोटेड होती है, और जो आपका ड्राइवर होता है इसके पीछे का जो ये सर्किट होता है यहाँ पर पूरा पॉइंट्स होते हैं, और ये अगर जो कि एल्यूमिनियम में किसी भी प्रकार से टच होता है तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, ड्राइवर आपका ख़राब हो जाएगा ठीक है। और या फिर इसके शॉर्ट होने की वजह से आपका जो एसी करंट होता है वो डायरेक्टली आपके प्लस माइनस में जाए, जिसके कारण आपकी MCPCV भी उड़ सकती है ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को एक तरीके से बताऊँगा कि आप किस प्रकार से एक अच्छे तरीके से इसको असेंबल कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे इसकी लाइफ जो है बढ़ जाए। अभी दोस्तों बात करें दूसरी कंपनियां, अदर कंपनीज जो मार्केट में अच्छा खासा सेल करती हैं, अच्छा खासा नाम है उनका, जैसे कि सूर्या फिलिप्स वगैरह कंपनियां, तो इनके बल्ब्स आप देखेंगे कुछ हटके बने हुए होते हैं, और इनकी अगर जो लाइफ देखी जाए तो काफ़ी अच्छी लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि उनमें रिप्लेसमेंट नहीं आती, रिप्लेसमेंट उनमें भी आती है, बट उनका जो बनाने का तरीका होता है वो कुछ सबसे अलग होता है, और उसी ठीक तरीके से आपको भी कुछ काम करना है। वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या यूज़ करना है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर दिखा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, अगर आप LED बल्ब बिजनेस करते हैं तो भी, और नहीं करते हैं तो भी। सो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहला जो काम होता है आपका वो इस टिकली पे MCPCV को फिक्स करने का काम होता है ठीक है। कंपनी के अंदर आपको दो तरीके के पेस्ट मिलते हैं जो इस MCPCV का हीट को इस टिकली में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। इस ये MCPCV में जो LEDs लगी हुई हैं वो ग्लो करती हैं, और ग्लो जब वो करती हैं तो इस ये MCPCV काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, और जो इसकी हीट होती है अगर जो इस हीट को कम नहीं किया जाए तो ये LED MCPCV ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस हीट को कम करने के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम टिकली और एल्यूमिनियम बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। इस MCPCV का हीट जो है इस टिकली में ट्रांसफ़र होता है, टिकली से होते हुए इसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार से जो हीट होती है वो इकट्ठा नहीं रह जाती, और हीट फैलने की वजह से वो हीट MCPCV से थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसके कारण इसकी लाइफ बढ़ जाती है ठीक है। तो MCPCV को यहाँ पर चिपकाना है, यहाँ पर आपको फिक्स करना है, और फिक्स करने के लिए आपको दो प्रकार के पेस्ट मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो इसको हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, एक ये पेस्ट होता है, ये हीटसिंक पेस्ट कहलाता है, ये गीला रहता है, और ये गीला रह के ही आपके MCPCV को आपके MCPCV का जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करता है ठीक है। तो ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं, जो लोकल के कस्टमर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल बाय करके अपना खुद का बल्ब असेंबल करके सेल करते हैं मार्केट में, वो ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जो सूर्या फिलिप्स का बात की जाए, सूर्या फिलिप्स कैसे अपने बल्ब में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़्यादातर इस बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम LP बॉन्ड कहते हैं, वैसे इसको सिलिकॉन भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर MCPSP में आपको इसका इस्तेमाल करना है, ये आपके हीट को अच्छे से अब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और अगर जो आपके MCPSP में स्क्रू लगाते हैं नहीं लगाते हैं तो भी इस पेस्ट को अगर जो लगाएंगे तो ये MCPSP को आपके टिकली से प्रॉपर तरीके से फिक्स भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको आपको पूरी MCPSP पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपके LEDs लगे हुए हैं, जैसे कि इस साइड LEDs लगी हुई हैं, तो इस साइड के बैक साइड पे मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है, और ठीक उसी तरीके से दूसरे साइड भी हमको लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ लगाने के बाद में जब हम इस MCPSP को टिकली पे रखेंगे तो ये जो यहाँ पर जो ये LP बॉन्ड लगा हुआ है वो इस पे रखते ही फैल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने होल मैच करके इसको रख दिया है और ये अभी फैल गया है। तो फैल जाने के बाद में आपको इसमें स्क्रू से, स्क्रू मशीन है आपके पास तो स्क्रू ड्राइवर मशीन का इस्तेमाल करते हुए आपको इसको फिक्स कर देना है। और स्क्रू ड्राइवर मशीन आपके पास नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी स्क्रू ड्राइवर मशीन है और यहाँ पर हम स्क्रू लेंगे और स्क्रू को यहाँ पर कस देते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्क्रू कसने के बाद में आपको इसको आपके ड्राइवर से अटैच करना है, लेकिन उससे पहले आप कोई ख़राब कपड़ा रख सकते हैं अपने पास, जो आपका कंपाउंड या हीटसिंक पेस्ट होता है वो उनके किनारों से निकल जाता है, तो उस चीज़ को आपको सबसे पहले क्लीन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे क्लीन कर लिया है। क्लीन इसलिए करना है ताकि जब इस पर आप सोल्डरिंग वगैरह करें तो सोल्डरिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अभी सोल्डरिंग करने के लिए आपको जो ये ड्राइवर है आपको इसमें अटैच करना है। और दोस्तों इस चीज़ को आप याद रखें कि कभी भी जब भी आप बल्ब बनाते हैं तो सबसे पहले इस ड्राइवर को हाउसिंग में नहीं रखना है, उसके बाद आपको MCPSP इस प्रकार से इसमें प्रेस करके बाद में सोल्डरिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग अगर जो आप बल्ब बनाते हैं तो सबसे पहले आप ड्राइवर को चेक नहीं कर पाते हैं, और ड्राइवर यदि अगर जो आपका बेकार है तो इसमें फिक्स करने के बाद में फिर से आपको टिकली निकालनी पड़ेगी, जिसमें आपकी हाउसिंग भी डैमेज हो सकती है और आपकी टिकली भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले MCPSP को कस लेना है अच्छे से हीटसिंक कंपाउंड लगाकर, उसके बाद में ये ड्राइवर है और ये आपका होता है सोल्डरिंग पेस्ट। तो इसके जो प्लस माइनस के वायर्स होते हैं इसको हम यहाँ पर सबसे पहले सोल्डरिंग पेस्ट लगा लेंगे। अब सोल्डरिंग पेस्ट क्यों लगाया जाता है, सोल्डरिंग पेस्ट जो आप सोल्डरिंग करते हैं यहाँ पर डॉट लगाते हैं उसमें फिनिशिंग या शाइनिंग लाने का काम करता है, और जो भी सोल्डरिंग आपके दोनों साइड के जाते हैं उनको आपस में चिपकने भी नहीं देता है, ठीक है। जहाँ पर यानी कि इसका ये काम होता है, जहाँ पर जिस पर अकॉर्डिंग सोल्डरिंग का पॉइंट होता है उसी अकॉर्डिंग ये सोल्डरिंग होती है उस जगह पे, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सोल्डरिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर MCPSP का जो सोल्डरिंग किया जाता है उसके लिए आप भारती का जो 50 ग्राम्स का वायर होता है उसका ही इस्तेमाल करें आप, क्योंकि ये थोड़ी क्वालिटी वाइज काफ़ी सही वायर होता है और इससे सोल्डरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा वायर होता है आपको इसे पीछे की साइड खींच लेना है, तो आपका वायर जो है ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा। और सोल्डरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ में सोल्डरिंग भी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ सोल्डरिंग तो कंप्लीट हो गई, अभी इसको सबसे पहले हमें सीरीज से चेक कर लेना है। दोस्तों याद रखें हाउसिंग में रखने से पहले आपको सीरीज चिमटी की सहायता से इसको चेक करना है। यदि आपको सीरीज चिमटी बनानी नहीं आती है तो इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पहले से अपलोड है, आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगी उसकी, और आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपना सीरीज चिमटी तैयार कर सकते हैं। सीरीज चिमटी की बात करें तो यहाँ पर ये चिमटी होती है और आपका एक बोर्ड होता है जिसमें सॉकेट होता है और एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ होता है, जिसमें आपको ये चीज़ टच करते हैं तो आपका वो बल्ब ग्लो करता है। तो यहाँ पर मैंने स्विचिंग कर रखी है, स्विचिंग करने के बाद स्विच ऑन करने के बाद में जब हम इसको टच करते हैं तो ये हमारा बल्ब ग्लो होता है। मैं आपको बल्ब भी दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो सीरीज बोर्ड है कुछ इस प्रकार से है, और जब ये सीरीज चिमटी को टच किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो ये बोर्ड का भी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सो दोस्तों यहाँ पर मैं इस बल्ब को जो है सीरीज चिमटी से चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है, और इसको पास में करके देख सकते हैं ये बल्ब अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में भी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जब इसको आप हाउसिंग में रखेंगे तो हाउसिंग में रखने से पहले भी आपको जो यहाँ पर लॉक दिए जाते हैं, अंदर के जो लॉक दिए जाते हैं, इन पे भी आपको सेम हीटसिंक कंपाउंड डालना होता है। आप थोड़ा थोड़ा सा इन लॉक्स पे लगा देना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा लगा देंगे तो आप जब भी बल्ब रिपेयर करेंगे इसमें से ड्राइवर निकालेंगे तो निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और हल्का लगा देंगे तो ये ड्राइवर को मात्र फिक्स करके रखता है, रोक के रखता है हाउसिंग के अंदर, और फिर आपका जो ये ड्राइवर होता है ये टच नहीं करता बॉडी से। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार रखने से रखने के बाद में हमें इस ड्राइवर को इसके अंदर अटैच कर देना है। कुछ इस प्रकार से हम इस ड्राइवर को फिक्स कर देंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। लॉक के हिसाब से इसको बैठा देना है, बैठाने के बाद में इसको प्रेसिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस बल्ब को जो अच्छे से प्रेस कर दिया है। अच्छे से प्रेस करने के बाद में अभी हमारा काम आता है B22 का, और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर थोड़ा पेस्टिंग आ गया है, तो इसको भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर प्रेसिंग करने के बाद में बाकी हमें क्लीनिंग कर लेनी है। क्लीनिंग करने के बाद में आपका जो अगला काम आता है उसे आता है B22 कैप लगाने का। B22 कैप को यहाँ पर इस प्रकार से अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद में इसको सबसे पहले आपको पंचिंग मशीन की सहायता से पंच कर लेना है, और यहाँ पर फ़िलहाल पंचिंग मशीन उपलब्ध नहीं है तो मैं इसको बाद में पंच करवा दूँगा। तो मैं अभी आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ इसकी बिट बनाकर। तो बिट बनाने से पहले जो यहाँ पर आपके वायर्स निकलते हैं, यहाँ पर जो ये वायर्स निकले हुए हैं इनको आपको अच्छे से छोटे छोटे काट लेना है, जिससे कि आपकी सोल्डरिंग जब भी आप बिट बनाते हैं, आई बनाते हैं, तो ये वायर्स के नोक ना निकलें, और देखने में भी आपका जो बिट होता है या आई होता है वो काफ़ी खूबसूरत दिखना चाहिए, ठीक है। लगना चाहिए दोस्तों कि आपने जो आपका जो ये बल्ब बना हुआ है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का या क्वालिटी वाइज है। सो दोस्तों मैं यहाँ पर इन वायर्स को काफ़ी छोटा काटना होता है इसको, कुछ इस प्रकार से। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने कुछ इस प्रकार से काट लिया है, आप देख सकते हैं कितने छोटे वायर्स मैंने काटे हैं, ठीक है। और फिर इसको अच्छे से नीचे की ओर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद में ये बराबर से नीचे अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपका जो ये भारती का सोल्डरिंग वायर होता है, भारती के सोल्डरिंग वायर से आपको बिट नहीं बनानी होती है, क्योंकि ये वायर जो होता है ये थोड़ा हल्का होता है, और अगर जो आपके होल्डर में स्पार्क जनरेट होता है तो ये डिसोल्ड हो जाएगा, या फिर इसमें निशान पड़ जाएंगे, या फिर ये डिसोल्ड होकर आपस में शॉर्टिंग भी कर सकता है। तो इसके लिए ये भारती ये सॉरी लक्ष्मी का वायर आता है 250 ग्राम का, ये थोड़ा हार्ड होता है और जल्दी मतलब नॉर्मल हीट पे ये पिघलता नहीं है, और ये आपका नॉर्मल हीट पे भी पिघल जाता है। तो इसलिए हमें जो बिट बनानी है वो इस वायर के थ्रू बनानी है। इस वायर से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और आपके इसको इसकी आई बनाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो सोल्डरिंग मशीन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से गर्म होनी चाहिए। आप चाहें तो स्टेबलाइजर लगा के रख सकते हैं, अपना जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, और वोल्टेज को फिक्स कर सकते हैं 250 वोल्टेज के समथिंग, जिससे आपकी सोल्डरिंग मशीन अच्छे से हीट हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको बिट बनाकर दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिट यहाँ पर आई जो इसकी है वो बनके तैयार हो चुकी है, और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी बराबर साइज में काफ़ी अच्छे से
ये बिट्स बनी है। आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब भी आप आई बनाते हैं तो ये आपको बराबर साइज़ में बनानी है, एक ज़्यादा या एक कम नहीं होना चाहिए, जिससे जब ये आप होल्डर में लगाते हैं तो ये होल्डर में तिरछा ना हो, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से सेट होगा। और इसको सोल्डरिंग करने के बाद में भी आप थिनर वगैरह से इसकी सफाई कर सकते हैं, जिसमें जिसके बाद इसमें शाइनिंग भी बनी रहेगी, ठीक है। और जब भी आप सोल्डरिंग करते हैं तो काफ़ी लोगों का कहना रहता है कि जो ये बिट्स होती है इसके कहीं कहीं छूट जाते हैं किनारे, तो किनारे छूट जाते हैं उसके लिए जब भी आप बिट बनाते हैं तो इस सोल्डरिंग को आगे पीछे करते रहना है, जिससे प्रॉपर हीट मिलती रहे और प्रॉपर तरीके से जो आपका सोल्डरिंग वायर होता है वो B22 कैप में लग सके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पंचिंग करना बाकी है। इसको करने के बाद में आपको बिट बनाने के बाद में सबसे पहले फिर से एक बार सीरीज चिमटी से टेस्ट कर लेना है आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, उसके बाद आपको इस पर डिफ्यूज़र लगाना है, ठीक है। डिफ्यूज़र लगाने से पहले भी आपको एक काम करना होता है दोस्तों, जब भी आप डिफ्यूज़र लगाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है, आपको यहाँ पर भी LP बॉन्ड का ही इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि दोस्तों आप मार्केट में इसको देते हैं, मार्केट में इस चीज़ को सेल करते हैं, तो मार्केट में सेल करते हैं तो आप जैसा कि दोस्तों आप लोग 9 वाट बल्ब को बनाकर मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसमें आप वारंटी गारंटी कुछ दे रहे हैं, ठीक है। अगर जो आप किसी कस्टमर के यहाँ पर ये जा रहा है वहाँ पर ख़राब हो गया, तो अगर जो इसका डिफ्यूज़र आपने यहाँ पर लॉक नहीं किया हुआ है तो वो सबसे पहले इसको खोलेगा, वो खुद से सही करने की कोशिश करेगा, सही होता है तो ठीक, नहीं सही होता है तो वो पूरी तरह से ख़राब करके फिर उसको बंद करके आपको दे देगा, ठीक है। फिर आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा, आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा या चेंज करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ डिफ्यूज़र के लिए भी यहाँ पर जहाँ इसके लॉक्स होते हैं वहाँ पर हल्का हल्का लगा देना है इस LP बॉन्ड को, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, हल्का हल्का ही लगाना है, और उसके बाद में इस डिफ्यूज़र को अच्छे से यहाँ फिक्स कर देना है। यहाँ पर फिक्स होने के बाद में ये बल्ब बनके तैयार हो जाता है, और भी फिर आप इसे थिनर से या फिर किसी नॉर्मल कपड़े से इसको पोंछ कर साफ़ कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये बल्ब हमारा बनके तैयार हो गया है, एक बार फिर से आप चाहें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ग्लो कर रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यदि आप बल्ब बनाते हैं तो आपका बल्ब की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और काफ़ी जैसे कि आप सूर्य फिलिप्स को भी अगर जो उनका बल्ब भी लाकर उसको खोल कर देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से असेंबल किया गया होता है, क्योंकि वो चीज़ जानते हैं जिस काम को जितने सही तरीके से किया जाए उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप 9 वाट को या फिर आप अदर जैसे कि 12 वाट 15 वाट बल्ब बनाते हैं, सेम तरीके से सभी बल्ब बनाने होते हैं, सभी को ठीक इसी प्रकार से आप बना सकते हैं सेम तरीके से, और अपने बल्ब को सही लाइफ दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो या नॉलेजबल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर से करें, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।